मोदी सरकार नौकरी करने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार ईपीएफ की तरह जल्द पेंशन स्कीम को लेना भी जरूरी हो सकता है। अगर आसान भाषा में समझें तो पीएफ की तरह है। बता दें आपको कि ईपीएफ की तरह जल्द पेंशन स्कीम के लिए भी हर महीने सैलरी से पैसे कटाने होंगे। कितने पैसे कटेंगे इसका फैसला कर्मचारी खुद ले सकेगा। वही सूत्रों के अनुसार इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। बता दें आपको कि जानकारी के अनुसार इसके लिए जल्द सिस्टम तैयार होगा और हर महीने कम से कम 100 रुपए कर्मचारी कटवा सकेगा और इतना ही कंपनी अपनी तरफ से खाते में दे सकती है। उनका कहना है कि जो आज युवा है उन्हें कल बुजुर्ग होने पर पैसों की जरूरत होगी। बता दें आपको कि नौकरी पेशा लोग अक्सर पीएफ खाते को लेकर परेशान रहते हैं। खासकर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले ज्यादातर लोग ईपीएफ के साथ मिलने वाली पेंशन के बारे में नहीं जानते हैं। वही एक्सपर्ट बताते हैं कि नौकरी पेशा की सैलरी से कटने वाली रकम दो खातों में जाती है, पहला प्राइवेट फंड यानी कि ईपीएफ और दूसरा पेंशन फंड यानी कि ईपीएस होता है। कर्मचारी की सैलरी से कटने वाला पैसा 12% कर्मचारी ईपीएफ में जमा हो जाता है। इसके अलावा कंपनी की ओर 3.67% ईपीएफ में जमा होता है और बाकी 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में जमा हो जाता है। पीएफ खाते की रकम को कोई भी कर्मचारी एक तय समय के बाद निकाल सकता है, लेकिन पेंशन की रकम निकालने के लिए नियम सख्त है क्योंकि ये अलग अलग स्थिति में तय होते हैं। बता दें कि अगर नौकरी 6 महीने से ज़्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है तो फॉर्म 19 और 10 जमा करके पीएफ रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाली जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मैनुअल तरीके से ही पीएफ ऑफिस में आवेदन करना होगा। ऑनलाइन प्रोसेस में अभी पेंशन फंड निकालने की सुविधा को शुरू नहीं किया गया है। फॉर्म भरने के बाद उन्हें एम्प्लॉयर यानी कि ईपीएफओ के कार्यालय में ही जमा करना होगा। अगर आप अपना प्राइवेट फंड एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी चाहे जितनी भी सर्विस हिस्ट्री हो, आप पेंशन की रकम को कभी भी किसी हालत में नहीं निकाल पाएंगे। मतलब साफ है कि अगर अलग अलग जगह नौकरी करते हुए आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाएंगे और 58 साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन के रूप में कुछ रुपए मिलने लगेंगे। बजट में सरकार ने कानून बदलने के संकेत भी दिए हैं। आगे जो भी जानकारी आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।